टीकमगढ़ जिले में बुधवार की दोपहर टीकमगढ़ जनपद के रोजगार सहायक द्वारा जिला पंचायत सीईओ स्वदेश मालवीय पर फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते रोजगार सहायकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है तो जिला पंचायत सीईओ बौखला गए। रोजगार सहायक मनोज स्रोती द्वारा जिला सीईओ स्वदेश मालवीय पर अभद्रता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिसकी जानकारी जब पत्रकारों द्वारा टीकमगढ़ जिला सीईओ से ली गई, जवाब देना तो दूर की बात, वह कैमरे के सामने भी वह अपनी तानाशाही और दबंगई दिखाते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने रोजगार सहायकों को धमकी दे डाली। आप सोचने वाली बात तो यह है कि जब जिम्मेदार ही इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अनुशासन कहां तक सुरक्षित रहेगा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज सुबह हमारे पास हमारे जिला सीओ सर का फोन आया कि हतग्राही ग्राम पंचायत से एक शिकायत की था पप्पू साहू के नाम से, तो उसकी आवास की किस्त के संबंध में शिकायत थी, क्योंकि उसकी किस्त उसके मतलब उसकी माताजी के नाम से आवास है, तो उसकी माताजी के उसमें किस्त उसकी पहुंच गई थी। अब चूंकि हितग्राही की सिम गुम गई है, सिम काफ़ी समय से मोबाइल बंद की गई है, वो व्यक्ति उसकी सिम गुम गई थी, हमने उससे जब बात की कि भैया ऐसी ऐसी है, तुम्हारा निराकरण हो गया तो अपनी शिकायत बंद करा दो, तो व्यक्ति काफ़ी दिनों से हाँ करवा रहे हैं, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, मतलब उसने शिकायत बंद नहीं करवाई है परेशान करने के लिए। तो जिला सीओ सर का फ़ोन आया कि उस 100 डेज में शिकायत है, उसको बंद कराया जाए, तो हमने उसे बोला, सर से बोला हमने कि सर हितग्राही चूँकि अभी अपनी रिश्तेदारी में जाए, वो शाम तक वापस आ रहा है, तो हम उसकी शिकायत बंद करा देंगे। तो बोलते हैं हम साले तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और तुम्हारी FIR कराएंगे, इसकी सेवा समाप्त करो, इसकी फाइल लेके आओ, वो साले सब लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा, साले हो तुम लोगों को समझ में नहीं आती हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मतलब इस तरीके से गाली दे के, मतलब ऐसा लगा हमें जैसे ये सभी लोगों के, हम लोगों पूरे स्टाफ के जीजा हों। ये कई बार मतलब हमारे जनपद के BC PM भाई हैं, कल उनसे भी सर ने अभद्रता से बात की, उनको भी गाली गलौज किया, और अधिकांश सभी लोगों से ये गाली गलौज करके बात करते हैं। तो हम लोग, हमारा निवेदन इतना है कि हम लोग 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी पता है कि आजकल ग्राम रोजगार सहायक के ऊपर हर योजना का भार है, वो कौन कौन सा काम करे, हम लोगों को भी इतनी समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या क्या करें। 9,000 रुपये में हम एक तो शासन का काम करेंगे, ऊपर से अपने अधिकारियों की गाली सुनेंगे, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारे ये मालवीय सर जब तक यहाँ से जिला से हटने जाते हैं, तब तक हम लोग कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं, और अगर ये नहीं हटेंगे तो हमारी ये हड़ताल अनवरत चालू रहेगी। अभी तो हम लोग आज जनपद टीकमगढ़ से शुरुआत है, कल से पूरा टीकमगढ़ जिला हड़ताल पर रहेगा। आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आपने नारी लगाई थी भ्रष्टाचार, किस चीज़ में भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में ये हमारे एक, हम आपको ताज़ा उदाहरण बता रहे हैं, हमारे एक GRS की सेवा समाप्त की थी हमने, तो वो जाके हाईकोर्ट से स्टे लेके आया था, क्योंकि स्टे आने के बाद हाईकोर्ट का इनको माननीय जी को पालन करवाना चाहिए था, उसको ज्वाइन करवाते, ज्वाइन करवाने के एवज में माननीय जी द्वारा 50,000 रुपये की मांग की जा रही है। 30,000 रुपये हम लोगों ने स्वयं इकट्ठे करके हाईकोर्ट का मान्य स्टे मान्य करने के लिए हम लोगों ने खुद, मैंने स्वयं हाथ में दिए हैं 30,000 रुपये, और फिर श्रीमान्य जी ने पैसे लेके 50,000 की मांग की, और मैंने जब 50,000 रुपये नहीं इकट्ठा कर पाया तो श्रीमान्य जी ने 30,000 रुपये वापस कर दिए, बोलिए हम नहीं करेंगे। आज भी हमारा ग्राम पंचायत धनवाहा के लिए स्टे हो गया था, लेकिन श्रीमान ने लेटर जारी नहीं किया हमारे जिला सीओ साहब ने, और हमसे 50,000 रुपये की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपके जिला सीओ साहब का? श्री सुदेश मालवीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।